से सजी हुई आज इसका इनॉग्रल होना है। तो ये जिंजर टी, मसाला टी और चाय, दही हमें मिला हुआ है और दही के साथ साथ ये जो है प्लेन वाली नहीं, प्लेन वाली फीलिंग वाली नारे लग रहे हैं यहाँ पे। योगी मोदी जय हो, जय हो योगी मोदी। हमें स्वागत हुआ है भाई लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। जय हिंद दोस्तों, एक वापस से नए वीडियो में आपका स्वागत कर रहा हूं और स्वागत कर रहा हूं देहरादून रेलवे स्टेशन से। उत्तराखंड के देहरादून पे अपनी भगवा कलर की वंदे भारत एक्सप्रेस खड़ी हुई है जो कि आज ही इसका इनॉग्रल होना है। देहरादून से लखनऊ के बीच में ट्रेन चला करेगी, तो लखनऊ वालों को हरिद्वार के लिए एक ट्रेन मिल गई है जिसका काफ़ी टाइम से लोग इंतज़ार कर रहे थे कि लखनऊ से देहरादून के लिए एक ट्रेन होनी चाहिए, हरिद्वार के लिए ट्रेन होनी चाहिए जो कम समय में आपको हरिद्वार और देहरादून पहुँचा दे। तो आज इसका इनॉग्रल रन होना है, प्रधानमंत्री मोदी जी इसको हरी झंडी दिखा के आज रवाना करेंगे। तो दोस्तों आज आपको पूरी जर्नी दिखाएंगे इस भगवा कलर की वंदे भारत की। तो चलिए अंदर चलते हैं और सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ आपको, इंटीरियर वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं और जर्नी की शुरुआत करते हैं। थोड़ी देर में जो है प्रधानमंत्री मोदी जी हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करेंगे। अभी अंदर चल के आपको पूरा इंटीरियर वगैरह सारा कुछ दिखाते हैं इस ट्रेन का, कैसा सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह रहता है, क्या कुछ है, और इसमें एसी चेयर कार है, एसी चेयर कार के कोच आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एग्जीक्यूटिव क्लास का भी एक कोच रहता है, उसका भी सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह सब कुछ दिखाते हैं आपको और क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी आपको इस ट्रेन में। और हाँ एक बात और बता दें भाई, खाने पीने का भी आपको इसमें मिलेगा, ठीक है। अपनी वंदे भारत ट्रेन फूलों से सजी हुई आज इसका इनॉग्रल होना है। तो चलिए अंदर चलते हैं और अंदर से आपको दिखाते हैं अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। देखिए जैसे ही आप अंदर एंट्री करोगे सामने देखिए सीसीटीवी कैमरे वगैरह आपको दिख जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे वगैरह रहते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हो आप इमरजेंसी टॉक यूनिट यहाँ पे लगी हुई है गेट के पास में, क्योंकि ये ऑटोमेटिक गेट हैं, अपने आप ऑन और ओपन और क्लोज होते हैं। सामने सीसीटीवी कैमरे हैं और यहाँ पे यदि आपको कोई इमरजेंसी है तो आप लोको पायलट से डायरेक्ट बात कर सकते हो इस बटन के को प्रेस करके, ठीक है। किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आप उनसे बात कर सकते हो। और दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे जैसे आप आओगे यहाँ पे आपको टॉयलेट मिल जाएंगे। अच्छा, एक तरफ आपको जो वेस्टर्न स्टाइल का मिल जाएगा और इधर इंडियन स्टाइल का भी टॉयलेट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है वेस्टर्न स्टाइल का टॉयलेट, देख सकते हो भाई इस तरह का मिरर वगैरह है यहाँ पे, हैंड ड्रायर वगैरह भी है और पानी के लिए वॉश बेसिन कितना ज़बरदस्त है। और यहाँ पे देख सकते हो सोप वगैरह आपको मिल जाएगा और कुछ इस तरह का जो है आपको ये वॉशरूम देखने को मिलेगा। इंडियन स्टाइल का भी टॉयलेट यहाँ पे रहेगा इस ट्रेन में, तो दोनों टाइप के आपको टॉयलेट आपको वॉशरूम से वगैरह इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं इस वंदे भारत ट्रेन के एसी चेयर कार में। इस एसी चेयर कार में आपको 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो सारा कुछ आपको दिखा देते हैं। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इस साइड में तीन लोग बैठेंगे और इस साइड में दो लोग, 3x2 का सीटिंग अरेंजमेंट इसमें रहने वाला है। और ऊपर देखिए सामान लगेज रखने के लिए भी आपको स्पेस दिया हुआ है और ये लाइट वगैरह है रीडिंग लाइट, इनको आप जैसे ही प्रेस करोगे लाइट ऑन हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए टेबल वगैरह है, यहाँ पे आप रख के स्पेस स्नैक्स वगैरह कर सकते हो, तो सही है भाई। और यहाँ से दिखा देता हूँ आप सामने देखिए ये फूड रेस्ट भी यहाँ पे दिया हुआ है और अगर आपको स्नैक्स वगैरह करना है, लंच वगैरह करना है, आप इसके थ्रू आप कर सकते हो। चेयर के नीचे आपको 200 पावर सॉकेट मिल जाएंगे जिससे आप अपना फ़ोन चार्ज कर सकते हो। तो दोस्तों ठीक 9:30 पे अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो चुका है। इस समय देहरादून रेलवे स्टेशन से हमारी ट्रेन डिपार्ट कर चुकी है और अब इसका स्टॉपेज रहने वाला है हरिद्वार में। यहाँ से चलने के बाद सीधे हरिद्वार में रुकने वाली है अपनी ट्रेन। तो दिखाते हैं आपको, इधर प्रोग्राम हो रहा था वो दिखा देते हैं आपको। काफ़ी रश है यहाँ पर, काफ़ी पब्लिक आई हुई है और मोदी जी देखिए आपको दिख रहे होंगे ऑनलाइन वहाँ से अभी इनॉग्रेशन किया और सीएम धामी जी यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे, उत्तराखंड के सीएम। तो भाई ये देखिए अपना देहरादून क्रॉस हो चुका है और देखिए कैटरिंग की सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। भाई साहब पानी लेके आ चुके हैं यहाँ पे ग्लास के साथ में प्रॉपर यहाँ पे। जैसे ही ट्रेन डिपार्ट की दोस्तों, जैसे ही ट्रेन डिपार्ट की कैटरिंग की सर्विसेज वंदे भारत में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप लोग जब भी सफ़र करोगे सारा कुछ आपको यहाँ पे मिलने वाला है, लंच वगैरह स्नैक्स वगैरह सारा कुछ दिया जाएगा। तो जो कुछ है सारा कुछ आपको दिखाते हैं वीडियो। अमृतसर भाई लोहारी लोहारी एक्सप्रेस अमृतसर दे रहा है मोतीचूर जंक्शन पे। तो ये रायवाला जंक्शन पे ट्रेन का यहाँ पे क्रॉस हुआ है अभी।
देखिए भाई यहाँ पे स्नैक्स वगैरह आ चुके हैं, सुबह सुबह स्नैक्स लेके आए हैं भैया। देखिए हमारा स्नैक्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं यार। तो भाई ये अपना स्नैक्स आ चुका है वंदे भारत में, जैसे ही ट्रेन डिपार्ट की है सुबह सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। अब दोस्तों ब्रेकफास्ट के साथ साथ यहाँ पे चाय भी आ चुकी है, चाय और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी भी यहाँ पे सर्व की जा रही है। देख सकते हो इसमें ब्रेड कटलेट वगैरह है, सब कुछ है इसमें, बटर वगैरह हमने लगा लिया, अमूल का बटर मिला था। और यहाँ पे देख सकते हो आप बादाम का पैकेट है और ये एक रोल है, साथ ही साथ ये केक भी मिला हुआ है। तो दोस्तों अपनी ट्रेन जो है इस समय निकलती हुई, राजा जी नेशनल पार्क है ये हमारे इधर, देख सकते हो आप ये बड़ा सा जंगल है। और ब्रेकफास्ट अभी हमने कर लिया है और ब्रेकफास्ट बहुत ज़बरदस्त था, क्वालिटी अच्छी थी। और अभी ये हमें मिल्क मिला है, तो इसको मिल्क को एंजॉय करते हैं। फिलहाल हम लोग हरिद्वार की ओर बढ़ रहे हैं, हरिद्वार रेलवे स्टेशन आने वाला है। आप लोग देख सकते हो अपनी ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन पे इस समय अराइव हो रही है। ये हम लोग हरिद्वार आ चुके हैं देहरादून से चलने के बाद, 10:47 हुआ है अभी। ये ऑटोमेटिक गेट ओपन हो चुके हैं हरिद्वार रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों अपनी ट्रेन जो है देहरादून से चलने के बाद हरिद्वार में इस समय आ चुकी है। ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है और इसका स्टेशन कोड है HW। जब ये ट्रेन अपने कॉमर्शियल रन में स्टार्ट होगी तो यहाँ पे भी इसका स्टॉपेज रहेगा, ठीक है। हरिद्वार, मुरादाबाद, बरेली, 3 स्टॉपेज रहेंगे अपनी वंदे भारत ट्रेन के। तो अभी हमारे पीछे देख सकते हो ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, 10:51 हुआ है अभी। तो ट्रेन के अंदर चलते हैं, ट्रेन यहाँ से डिपार्ट करेगी और नेक्स्ट स्टेशन मुरादाबाद रहने वाला है। तो चलिए दिखाते हैं जहाँ भी रुकती है ट्रेन। 8 मिनट के यहाँ पे स्टॉपेज के बाद अपनी ट्रेन डिपार्ट करती हुई हरिद्वार रेलवे स्टेशन से, और अब इसका स्टॉपेज रहने वाला सीधे मुरादाबाद में। तो अपनी ट्रेन डिपार्ट करती हुई देख सकते हो यहाँ भी प्रोग्राम हुआ था। अभी देखिए कितनी सीट चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, काफ़ी लोग यहाँ पे आए थे। और देख सकते हो आप सामने 10:56 हुआ है, फूल मालाओं से अपनी ट्रेन का वंदे भारत का स्वागत किया गया है। ये देखिए ढोल नगाड़े बज रहे हैं यहाँ पे, देखिए काफ़ी पब्लिक आई हुई थी यहाँ पे ट्रेन को जो है स्वागत करने के लिए। और अपना हरिद्वार रेलवे स्टेशन निकलता हुआ ये देखिए अभी हरिद्वार आएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा अपना हरिद्वार रेलवे स्टेशन। बाय बाय हरिद्वार, जय हो। तो फिलहाल दोस्तों अपनी ट्रेन हरिद्वार रेलवे स्टेशन से डिपार्ट कर चुकी है और ये हरिद्वार रेलवे स्टेशन से हम लोग निकलते हुए, और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भव्य स्वागत हुआ है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। और देखिए अभी हम लोग निकलते हुए हरिद्वार से, यहाँ पे कोई ट्रेन का ये खड़ी हुई है लोकोमोटिव, को दिख रहा होगा। और अब अपनी ट्रेन जो है स्पीड पकड़ेगी, क्योंकि अभी तक देहरादून से हरिद्वार तक काफ़ी स्लो स्पीड में आई है, क्योंकि राजा जी नेशनल पार्क है तो वहाँ पे कासन लगा हुआ है, तो ट्रेन की स्पीड स्लो रहती है। अभी अपनी जो रियल स्पीड है उसमें ट्रेन निकलेगी, देख सकते हो भाई। देखिए भाई ट्रेन निकलती हुई, और स्टेशन स्किप होने वाला है तो ये आपको दिखाता हूँ भाई। अभी अपनी जो वंदे भारत है स्पीड पकड़ ली है भाई, काफी सही स्पीड में पकड़ती हुई। और यहाँ पे भी देख सकते हो काफी लोग जो है हर स्टेशन पे ट्रेन को देखने वालों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि आज पहला दिन है, इनॉग्रल है। जब भी वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रल होता है तो लोग आते हैं ट्रेन को देखने के लिए, वेलकम करने के लिए। तो फिलहाल ट्रेन अपनी डिपार्ट करती हुई हरिद्वार से। तो भाइयों अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस की स्पीड देख सकते हो आप, 110 की स्पीड मेंटेन कर रखी है अपनी वंदे भारत। तो गाइस काफी स्लो डाउन हमें क्रॉस हो रही है, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी, नई दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस, बस करो। तो अब ठीक हो, ये भाई देखिए दिल्ली वाली लाइन निकल गई है, सामने दिल्ली वाली लाइन है, अपनी अपनी ट्रेन यहाँ से अभी निकल चुकी है। दोस्तों लक्सर जंक्शन पे हम लोग अभी स्लोली स्लोली तो हमारे घर देख सकते हो आप लोग, ये लक्सर जंक्शन है, यहाँ पे इस ट्रेन का स्टॉपेज नहीं रहेगा। और वो देख सकते हो सामने ट्रेन खड़ी हुई है,
देहरादून के लिए सुबेदारगंज देहरादून एक्सप्रेस लक्सर स्टेशन पे, लक्सर जंक्शन पे खड़ी हुई है। और यहाँ पे देख सकते हो देहरादून सहारनपुर पैसेंजर जो कि देहरादून से अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले सुबह चली थी, उस वो यहाँ पे इसको ओवरटेक कर रहे हैं हम लोग। भाई वैसे मुझे बोलने की जरूरत नहीं कि भाई ये जो बंदा है ना भाई सबकी वीडियो में इसके बाद आती है, तो इसके अलावा किसी को बोलने की जरूरत नहीं केवल मैं गौरव भाई के अलावा, है ना। तो दोस्तों देहरादून सहारनपुर पैसेंजर यहाँ पे देखिए हम लोग ओवरटेक कर रहे हैं इसको, ये देख सकते हो आप जो अभी कुछ देर पहले छुट्टी थी देहरादून से निकली थी यहाँ पे उसको ओवरटेक करती हुई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस लक्सर में। तो भाई लंच आ चुका है यहाँ पे और ट्रेन अपने निकलते ही लंच की थाल यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है हमें, ये देख सकते हो भाई अपना लंच आ चुका है यहाँ पे, है ना। देखते हैं क्या कुछ है इसमें, और साथ ही साथ दही वगैरह भी हमें दिया गया है यहाँ पे। तो इस मुरादाबाद आ चुका है भाई, अपना लंच भी आ चुका है मुरादाबाद आने से पहले ही, एक ही हमें बहुत स्टैंडर्ड थाली मिल गई है, और साथ में साथ में दही भी है भाई। चलो इसको ओपन करते हैं और दिखाते हैं। तो भाई साहब यहाँ पे देख सकते हो मैंने लंच की जो थाल है उसको ओपन कर लिया। यहाँ पे गुलाब जामुन आपको दिख रहा होगा, ये पनीर की सब्जी है, दाल मखनी यहाँ पे, ये राइस है और अचार है, साथ ही साथ ये दही हमें मिला हुआ है, और दही के साथ साथ ये जो है इसमें रोटी है। तो ये हमारा जो है लंच है, सूखी सब्जी भी यहाँ पे है। तो भाई इसको खा लेते हैं, फिनिश करते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो राप्ती गंगा यहाँ पे इस समय स्किप हो रहा है जो कि देहरादून की तरफ जा रही है। तो दोस्तों हम लोग इस समय मुरादाबाद की ओर बढ़ रहे हैं और अब आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं क्योंकि गंगा जी यहाँ से निकलने वाली है। ये देख सकते हो भाई इस समय गंगा जी के दर्शन कर लीजिए आप लोग, ये देख सकते हो भाई हर हर गंगे। गंगा जी को स्किप करती हुई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। जय हो गंगा। तो भाई आ चुका है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन, अपनी ट्रेन का अराइवल हो रहा है इस समय मुरादाबाद में। तो चलिए अभी नीचे उतर के आपको दिखाते हैं मुरादाबाद रेलवे स्टेशन का नज़ारा। तो भाई मुरादाबाद स्टेशन आ चुका है और नीचे उतरते हैं और दिखाते हैं आपको मुरादाबाद का पूरा, क्योंकि यहाँ पे इसका ऑफिशियल स्टॉप भी रहने वाला है। जब ट्रेन कमर्शियल रन स्टार्ट होगा तो यहाँ पे ट्रेन रुका करेगी। तो देखिए आप ये गेट हो चुका है ओपन। तो भाई तो दोस्तों मुरादाबाद जंक्शन स्टेशन आ चुका है और मुरादाबाद में भव्य स्वागत हो रहा है यहाँ पे स्टेशन पे, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। तो मुरादाबाद का स्टेशन कोड है MB और जब ये ट्रेन चला करेगी तो इसका ऑफिशियल स्टाफ भी यहाँ पे रहने वाला है। तो देख सकते हो भाई कितनी ज़्यादा पब्लिक आई हुई है ट्रेन को देखने के लिए। ये अपना मुरादाबाद स्टेशन आ चुका है, ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हो रहा है यहाँ पे अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। और 2 मिनट का स्टॉपेज है यहाँ पे फिलहाल, 5 मिनट का स्टॉपेज रहेगा यहाँ पे जब ट्रेन ऑफिशियल चलने लगेगी। और काफ़ी भीड़ है भाई, आगे ढोल नगाड़े बज रहे हैं। बोल शंकर भगवान की जय। तो भाई लगभग 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस इस समय मुरादाबाद से डिपार्ट कर चुकी है। भाई मुरादाबाद से अपनी ट्रेन डिपार्ट, मेरे नंबर पे भी डाल देना यार। बारे में आपको बता देता हूं, जब इस ट्रेन का जो कॉमर्शियल रन स्टार्ट होगा तो लखनऊ से जो है ये ट्रेन सुबह 5:15 5:15 पे चला करेगी और दोपहर में 1:35 पे आपको देहरादून पहुंचा देगी, और वापसी में देहरादून से ये ट्रेन चलेगी 2:25 पे और रात में 10:40 पे आपको लखनऊ पहुँचा देगी। हफ्ते में सिर्फ 6 दिन चलेगी, एक दिन इसका जो है ऑफ रहेगा।
अभी इसका ऑफिशियल लेटर नहीं आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जो ऑफ रहेगा वो आप लोग चेक कर लीजिएगा। फेयर वगैरह अभी कुछ नहीं आया है ऑफिशियल, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। बाकी टाइमिंग वगैरह आ चुकी है तो हमने आपको बता दिया, हफ्ते में सिर्फ 6 दिन चला करेगी। और अभी हम लोग बरेली की तरफ पहुँच रहे हैं, तो ये आ चुका है अपना बरेली जंक्शन। बरेली जंक्शन पे अपनी ट्रेन अभी 2 मिनट रुकने वाली है। इसका स्टेशन कोड है BE। ये ऑटोमेटिक गेट ओपन हो चुके हैं। तो दोस्तों इस समय हम लोग आ चुके हैं बरेली जंक्शन पे और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉपेज रहने वाला है अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस का। और काफ़ी पब्लिक आज जो है ट्रेन में चढ़ रही है क्योंकि आज जो है सबको अलाउ कर दिया है ट्रेन में चढ़ने के लिए। तो ये बरेली जंक्शन है, 2 मिनट का यहाँ पे स्टॉपेज रहेगा। तो अभी यहाँ से डायरेक्ट जो है सीधे लखनऊ में ट्रेन चलने वाली है। तो चलिए यहाँ से डिपार्चर इन्जॉय करते हैं और अब मिलेंगे आपको सीधे लखनऊ में। बरेली का स्टेशन कोड है BE। भाई चलते हैं बरेली। बरेली जंक्शन। तो दोस्तों इस समय अपने देहरादून लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर कर रहे हैं और हमारे साथ में भाई साहब ट्रेवल कर रहे हैं। आप कहाँ से चले थे? मैं चढ़ा था बरेली से। तो बरेली से भैया है इसका, आप ये वंदे भारत में फर्स्ट टाइम? जी मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ। तो दोस्तों वंदे भारत का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस भैया का क्या है वो इनसे बात करके जानते हैं। सर आपका नाम क्या? मेरा नाम है लवेश कपूर। लवेश कपूर, और ये एक नेवर फॉरगेटेबल वाला एक्सपीरियंस है। बिल्कुल, लाइक इस ट्रेन में बैठ के ट्रेन वाली नहीं प्लेन वाली फीलिंग आ रही है। प्लेन वाली फीलिंग आ रही है, सही बात है। कि जो कंफर्ट है अगर उसको काउंट करूं तो प्लेन से ज़्यादा बेटर है, कि स्पेशली जो सीट्स वगैरह है काफ़ी कम्फर्टेबल। एक प्लेन जो हम 20-25 हज़ार रुपये भी किराया खर्च करते हैं फिर भी हम लोग को मज़ा वो आनंद नहीं मिलता, वो सुकून नहीं मिलता जो यहाँ बैठ के मिलता है। सही कह रहे हैं। अगर हम विंडो से बाहर देखें तो जो व्यू हमें यहाँ से दिख रहा है ना कि इतना मेस्मराइजिंग है कि थकान तो लग ही नहीं रही है, कि ऐसा लग रहा है ये सफर जो है चलता ही रहे। और एग्जीक्यूटिव क्लास के जो ये चेयर हैं इनको जो रोटेट करने वाला सिस्टम है ये भी सही है ना? वो बहुत अच्छा, क्लीनलीनेस बहुत अच्छी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी देखे बहुत अच्छी, की कंपार्टमेंट CCTV कैमराज लगे हैं और हर कंपार्टमेंट पे ऑलमोस्ट एक गार्ड अवेलेबल है। क्लीनलीनेस कहे कि मेरे से खुद एक कॉफी गिरी और फटाफट क्लीन करने वाला आ गया। कैटरिंग का मतलब आपको बहुत अच्छा, मतलब स्नैक्स वगैरह कैसे लगे? बहुत टेस्टी, की जनरली होती थी ना कि हम बहुत इंफीरियर क्वालिटी समझते थे कि रेलवे खाना बहुत बेकार है, बट वो भी बिल्कुल ट्रेंड चेंज कर दिया। वंदे भारत में आपको एकदम जबरदस्त खाना खाने को मिलेगा, बहुत अच्छा, और टाइम भी बचेगा भाई और थकावट थकान भी नहीं लगेगी। नहीं, चाय भी ऐसी थी कि घर की चाय फेल, घर की चाय फेल। तो ये भैया है बरेली से लखनऊ तक सफर कर रहे हैं, उनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था इसीलिए मैंने इनसे जो है रिव्यू लिया, क्योंकि हम तो वंदे भारत में कई बार जा चुके हैं और ऐसे लोग जो फर्स्ट टाइम बैठते हैं उनका जो है फीडबैक है वो बहुत जरूरी होता है। मैं तो सबको सजेस्ट करूंगा कि एक बार पिकनिक के तौर पे भी ना जरूर आप वंदे भारत को ट्राई। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए भैया धन्यवाद आपका। थैंक यू। तो ये शाहजहाँपुर स्टेशन का स्किप आप लोग देख लीजिए, SPN शाहजहाँपुर को स्किप करती हुई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों अपनी ट्रेन इस समय शाहजहाँपुर को स्किप कर रही है और अभी हरदोई स्किप होगा, हरदोई के बाद हम लोग लखनऊ की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इवनिंग टी जो है सर्व की जा रही है अभी वंदे भारत में। हम लोग हरदोई को स्किप कर चुके हैं और यहाँ पे टी कॉफ़ी और इवनिंग स्नैक्स सर्व किए जा रहे हैं वंदे भारत में। तो ये हमारी ये आ चुका है बॉयल वाटर और ये हमारे पास रखी हुई है जिंजर टी, अभी बनाते हैं चाय। तो दोस्तों अभी चाय हमने बना ली है, जिंजर टी मसाला टी, और चाय का आनंद ले रहे हैं। अभी शाम हो चुकी है, लगभग 4:30 बज रहा है, तो चाय का टेस्ट सही है लेकिन जो कचौड़ी है भाई बिल्कुल बेकार है, एकदम ठंडी ठंडी सी है, एवरेस्ट टेस्ट है एकदम। तो ये राजी रानी और दो ही स्टेशन इसकी हो रहा है। वो निकल गया भैया माल हमारा।
है बालामऊ स्टेशन और यहाँ पे खड़ी हुई है पैसेंजर ट्रेन कानपुर बालामऊ शाहजहाँपुर पैसेंजर ट्रेन। हाँ जी हाँ जी, तो ये अपना जो है बालामऊ स्किप हो रहा है भाई, इसके बाद आएगा संडीला और संडीला के बाद लखनऊ। तो भाई बालामऊ स्टेशन स्किप हुआ है, अभी संडीला स्किप होगा, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे लखनऊ में। और ज़्यादा दूर नहीं बचा है लखनऊ, बस मुश्किल से आधे घंटे लगने वाले हैं अगर कहीं पे रुके नहीं। ये भैया संडीला रेलवे स्टेशन स्किप करती हुई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस संडीला। लखनऊ जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे अपनी ट्रेन का हो रहा है अराइवल और हम लोग आ चुके हैं, अभी शाम के 5:30 हो रहा है। ये भाई गेट ओपन हो चुका है अपना, भाई ये हो चुका है गेट ओपन, वंदे भारत एक्सप्रेस इस समय आ चुकी है लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। वेलकम एट लखनऊ जंक्शन, यहाँ पे भैया खड़े हुए हैं वेलकम करने के लिए और काफ़ी लोग आए हुए हैं यहाँ पे लोगों का स्वागत करने के लिए। ये देखिए आप, यहाँ पे लोगों का स्वागत हो रहा है दोस्तों, आप लोग देख सकते हो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारा स्वागत हो रहा है। और हम लोग इस समय देहरादून से चल के आप लखनऊ पहुँच गए हैं, देख सकते हो भाई हमें फूल मालाओं से स्वागत करा गया है। और हम लोग लखनऊ पहुंच चुके हैं देवभूमि उत्तराखंड से, हम लोग लखनऊ पहुंच गए एकदम ऑन टाइम, सुबह 9:30 चले थे देहरादून से और एकदम 5:30 पहुंचने का टाइम था, ऑन टाइम अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस आ चुकी है लखनऊ जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। तो लखनऊ से हरिद्वार जाने वालों को, देहरादून जाने वालों के लिए मतलब अभी ट्रेन मिल चुकी है, काफ़ी कम समय में आपको जो है देहरादून पहुँचा देगी। और वंदे मातरम जिंदाबाद योगी मोदी, देखो भाई योगी मोदी नारे लग रहे हैं यहाँ पे, योगी मोदी जय हो योगी मोदी। हमें स्वागत हुआ है भाई लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पे, भारत माता की जय के नारों के साथ भव्य स्वागत हुआ है यहाँ पे। वंदे मातरम योगी मोदी जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इन नारों के साथ में हमारा स्वागत किया गया है लखनऊ जंक्शन पे। अपनी ये वंदे भारत एक्सप्रेस यहाँ पे खड़ी हुई है देख सकते हो, और एकदम 5:30 पहुँचने का टाइम था और 5:30 ही एग्जैक्ट टाइम पे लेके आई अपनी वंदे भारत एक्सप्रेस। तो दोस्तों आपको ये जर्नी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।